हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, डीएनएस स्पॉन्सरशिप एग्जाम, अगर आपको डीएनएस कोर्स करना है टीएस रहमान कॉलेज से, तो इसका फॉर्म ऑलरेडी निकल चुका है। तो आपको अगर आपको फॉर्म फिल करना है, तो आपको पहले टीएस रहमान का वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, फिर नंबर वन पे बीएससी नॉन नॉटिकल साइंस, तो आप इसमें किसी कहीं पर भी आप क्लिक कीजिए, ठीक है। आप फिर पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पर आपको मिलेगा जो एक साल का जो डीएनएस कोर्स है उसका। देखिए नंबर टू पे देखिए लिखा है वन ईयर प्रीसी डेकोरेट कोर्स। वन ईयर का होता है, 28 फरवरी को इसका फॉर्म ओपन हुआ है और 10 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फिल करने का। उसके फिर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए नंबर टू के नीचे एक एरो मार्क मिलेगा, फिर वहाँ पे देखिए एकेडमिक स्टार्ट होगा आपका 1 अगस्त से। और यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्लिक टू अप्लाई, मतलब अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो कुछ इंस्ट्रक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है क्या क्या इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है। आपको इसके लिए 700 पे करना पड़ेगा ऑनलाइन पे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, एज 17 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर आप एस सी एस टी है तो 5 साल का रिलेक्शन मिलेगा, ओ बी सी है तो 3 साल का रिलेक्शन मिलेगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपका क्लास 12 में पी सी एम में मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, और आपका क्लास 10th या फिर क्लास 12th में इंग्लिश में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और आपको आई एम यू सी टी क्लियर करना पड़ेगा। देखिए आई एम यू सी टी होगा अभी कुछ दिन में, तो आपको आई एम यू का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा, प्लस आई एम यू सी टी भी क्लियर करना पड़ेगा। अगर इनकेस आप आई एम यू क्लियर नहीं कर पाए बट इसका एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, तब भी उस टाइम पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आपको आई एम यू मैंडेटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 7 पे लिखा हुआ है योर डिटेल्स डाटा विल बी फॉरवर्ड टू द शिपिंग कंपनी फॉर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन एंड दे विल शॉर्टलिस्ट एज पर दर पॉलिसी। मतलब कि अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तो इसी कॉलेज से आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। और आपको आपके पास इंडियन पासपोर्ट मैंने रेडी, आपके पास इंडियन पासपोर्ट अगर नहीं है तो फिर जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा आई एक्सपर्ट बटन पे, आप फिर पहुंचेंगे इसका जो मेन फॉर्म है उस फॉर्म पे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं अभी फॉर्म आएगा। देखिए यहाँ पे 4 टैब है, प्री सी एप्लीकेशन, बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, एकेडमिक डिटेल्स। तो यहाँ पे जो भी रेड कलर का स्टार मार्क है आपको फिल करना ही पड़ेगा, और जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको परफेक्ट होना चाहिए, नो स्पेलिंग मिस्टेक, नो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। बिकॉज अगर आपका इन्फॉर्मेशन एक बार रॉन्ग दे दिया तो फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते, स्पेशली ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये सब, तो स्पेशली डेट ऑफ बर्थ, आपका मार्क्स, ये सब नाम सब कुछ ठीक से दीजिएगा, बिकॉज उसके बाद का जो भी कम्युनिकेशन होगा उसका आपका ईमेल आईडी के थ्रू ही होगा। फिर आप ये पेज फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे बेसिक डिटेल्स पे, फिर एड्रेस, फिर एकेडमिक डिटेल्स। इसके बाद आपको पे करना पड़ेगा 700 रुपीज़। उसके बाद जब भी एग्जाम होगा उसका एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, एग्जाम क्लियर करके कर पाएंगे तो फिर आपका होगा इंटरव्यू, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट, फिर मेडिकल, उसके बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगा। तो इसका फुल प्रोसेस अगर आपको फिल करना है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिकॉज डीएनएस कोर्स सबसे बेस्ट कॉलेज है, मतलब बेस्ट कोर्स है अकॉर्डिंग टू मी। बीएनएस और या फिर मतलब बीएससी और डीएनएस के बीच में अगर आप कन्फ्यूज है तो फिर आप, मैं बोलूँगा कि अगर आप डीएनएस करेंगे तो बेटर है। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू योर अदर फ्रेंड्स हु आर वेटिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर्म। And don't forget to hit the bell icon and don't forget to hit the subscribe button also, and please hit the like button also. So guys, today I'm ending this video here only. Take care and bye.